ऑसिलेटरी मोशन. ओके चिल्ड्रन, ऑसिलेटरी मोशन इज द मोशन. आर्यन कुमार, इट इज योर प्रॉब्लम. ऑसिलेटरी मोशन, इट मीन्स इन ऑसिलेटरी मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ टू एंड फ्रो पोजिशन. वेन द ऑब्जेक्ट मूव्स लाइक टू एंड फ्रो पोजिशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है टू एंड फ्रो पोजिशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड इस प्रकार मूव कर रहा है तो इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. एंड ऑसिलेटरी मोशन टेक्स प्लेस, ऑसिलेटरी मोशन टेक्स प्लेस इन अ फॉर एग्जाम्पल स्विंग. जैसे बच्चे झूले झूलते हैं, आप देखे होंगे कि बच्चे झूले झूलते हैं, तो जब झूले झूलते हैं देन ऑन द स्विंग इस टाइप का मोशन होता है, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. ओके, एंड आप देखे होंगे इन अ टेम्पल, मंदिर वगैरह में क्या होता है, मंदिर वगैरह में जो उसके बीच जो घंटी होती है, इट इज ऑल्सो मूविंग लाइक दिस. आर्यन कुमार, समझ में आ रहा है? हाँ, टू इस अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर है तो टू और इधर है तो फ्रो, और बैकवर्ड फॉरवर्ड टू एंड फ्रो, इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. जैसे बच्चा अगर झूला झूलता है तो ऐसे झूलता है, तो यह है ऑसिलेटरी मोशन. आप देखियो मंदिर वगैरह में घंटी बजती है इस प्रकार, इट इज ऑल्सो टू एंड फ्रो मोशन. और सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम क्लॉक में जो बॉब ऐसे मूव कर रहा है दैट इज इन टू एंड फ्रो मोशन. सो टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. आर्यन कुमार, समझ में आया? यस मैम. ओके, क्रिस राज, सॉरी एक मिनट, क्रिस राज अगेन रेज योर हैंड. क्रिस राज अगेन गलती से लोअर. अच्छा सैली, एक मिनट. ओके चिल्ड्रन, सैली तिवारी, क्रिस राज से और प्रॉब्लम. नॉन पीरियोडिक मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. लिसन चिल्ड्रन, व्हेन द मोशन टेक्स प्लेस एंड एन ऑब्जेक्ट moves and comes on its original position after a fixed period of time, then it is called as periodic motion. Object में motion हो रहा है लेकिन वह object एक खास समय के बाद अपने पुराने position पर चला आता है, then it is called as periodic motion. जैसे for example, the hands of clock, that is minute hand, hour hand, सेकेंड हैंड, एक बार घूमने के बाद खास समय के बाद फिर उसी पोजीशन पे चला आता है, इट मीन्स हेयर मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. नॉन पीरियोडिक मोशन व्हेन इट डज नॉट रिपीट इट्सेल्फ, अगर उसमें रिपीटेशन नहीं होता है, इट डज नॉट रिपीट इट्सेल्फ एंड It does not repeat itself after a regular interval of time, then it is called as non-periodic motion. इसका मतलब होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेलने में जरूरी नहीं कि फिक्स टाइम में ही वह रन बनाएगा, इट इज नॉट फिक्स्ड, सो इट इज नॉन पीरियोडिक मोशन. सो इट इज नॉन पीरियोडिक मोशन. ओके चिल्ड्रेन, अब आइए. रेक्टिलिनियर मोशन. क्रिस राज, इट इज योर प्रॉब्लम. यस